उधर होली से ठीक पहले बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन के एक मंदिर पर 200 लोगों की भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 200 साल पुराने इस्कॉन मंदिर की दीवार टूटी दिखी। एक दिन पहले रात 8 बजे मंदिर पर हमला हुआ। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जबरदस्ती मंदिर में घुसे और तोड़फोड़ की। यही नहीं, जाते हुए वो अपने साथ मंदिर में रखा कीमती सामान भी ले गए। दो श्रद्धालुओं को अगवा कर उनकी पिटाई भी की गई। आरोप है कि पुलिस ने हमले की जानकारी मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। करीब 200 लोग हमारे मंदिर में घुसे और वो लोग नारा तकबीर का नारा देते हुए हमारे भक्तों के ऊपर में अटैक किया। ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमला हुआ। पिछले साल भी नवरात्रि पर दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की गई थी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की जबान एक बार फिर फिसल गई। इस बार उन्होंने गलती से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फर्स्ट लेडी कह दिया। और ये घटना व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस वक्त हुई जब उन्होंने कमला हैरिस के वहां नहीं आने की वजह बताई। असल में अमेरिका में राष्ट्रपति की पत्नी को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। और जब कार्यक्रम में मौजूद किसी शख्स ने बाइडेन को उनकी गलती के बारे में बताया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में ये कहकर मामले को संभालने की कोशिश की कि उनकी पत्नी को इससे कोई दिक्कत नहीं, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगे। ये पहला मौका नहीं है जब कमला हैरिस को लेकर बाइडेन की जबान फिसली हो। इससे पहले वो कमला हैरिस को राष्ट्रपति भी बोल चुके हैं।